हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। नमस्ते और वेलकम है आपका हमारे चैनल चारू पूर्णिमा फैमिली पर। सो अगर आप नए नए आए हो तो सब्सक्राइब करो, अगर आप पहले से आते रहे हो तो वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग, क्या सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं? आज जो मैं पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर के आई हूँ वो ये है, उसका टॉपिक ये है कि क्या वो आपके बिना रह पा रहे हैं। आप पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन ये वीडियोस को देख सकते हैं। तो कोई भी देख सकता है, मेल फीमेल किसी भी एज के लोग के देख सकते हैं, किसी भी इंसान के बारे में, कोई भी इंसान। जैसे सपोज आप किसी से प्यार करते हो या आप सेपरेशन में हो या एनीथिंग लाइक दैट, तो आप ये वीडियो आराम से देखो, कोई इशू नहीं है। बस आपको उनके बारे में सोच के एक पाइल सेलेक्ट करना है और उस पाइल को सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी रीडिंग सुननी है। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये एक जनरल रीडिंग है। जनरल रीडिंग बहुत टाइम पे रेजोनेट करती भी है, बहुत टाइम पे नहीं भी रेजोनेट करती है। तो अगर जनरल रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे चैनल पे जाके कोई दूसरा वीडियो देखो, शायद वो काम आ जाए आपके। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो यूनिवर्स हैज़ इट, यू हैव इट, टेक वॉट आई एडवाइज यू। तो द थिंग इज कि क्या वो आपके बिना रह पा रहे हैं या नहीं रह पा रहे हैं, ये है हमारा आज का टॉपिक। तो इसमें क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी इन डेप्थ। थोड़ा आपको एक बेटर आइडिया दूंगी आपके सिचुएशन का। तो अभी मैं आपको टाइम देती हूँ, आप अपना पाइल सेलेक्ट कर लो। अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके भी अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है, तो अगर चीज़ें आपसे नहीं रेजोनेट करती हैं तो डू नॉट वरी। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। लाइफ का कोई भी मेजर डिसीजन आप जनरल रीडिंग से नहीं लोगे, बिकॉज जनरल रीडिंग बहुत सारे लोगों के लिए बनी होती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन लेने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी पर्सनल एनर्जी को रीड कराकर, पर्सनल रीडिंग लेकर के ही आप कोई डिसीजन लोगे, क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स में बस आपकी एनर्जी रीड होती है। एंड बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा भी डाउट होता है, क्योंकि देखिए पर्सनल रीडिंग्स जो होती है ना वो बहुत ही प्राइवेट होती हैं। उसे मैं अपने अलावा किसी को भी नहीं सुनने दे सकती। तो आपकी जो भी पर्सनल रीडिंग्स होती है ना वो बिल्कुल प्राइवेट होती हैं, जो कि मेरे और आपके बीच में होती हैं और किसी को भी उसके बारे में नहीं बताया जाता। ये टैरो के अगेंस्ट है किसी के भी पर्सनल रीडिंग को रिवील करना या उनके सिचुएशंस को रिवील करना। सो ऑफकोर्स आपको वरी नहीं करना है कि अगर मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स कहीं किसी और को पता चल गया तो। ऑफकोर्स ये अगेंस्ट है, तो ऐसा आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अभी मैं आपको टाइम देती हूँ, अपना पाइल सेलेक्ट करो। इन केस अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो ऑफकोर्स आप वीडियो पॉज करके भी अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हो। तो आई होप आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिंक पाइल, फिर ग्रीन पाइल एंड एट लास्ट ब्लू पाइल। सो पिंक पाइल पीपल, देखते हैं आपके लिए क्या आता है, क्या चीजें हैं पिंक पाइल वाले लोगों के लिए, क्या वो आपके बिना रह पा रहे हैं या नहीं रह पा रहे हैं, क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सो आई होप कि आपको सारे ही कार्ड्स विजिबल हों। जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, आप लोगों के बीच में जो बॉन्डिंग थी वो बहुत ही अमेजिंग थी। जब चीज़ें आप लोगों के बीच में स्टार्ट हुई थी, इट वॉज़ एन अमेजिंग रिलेशनशिप जिसके ख़त्म होने का आपको अंदाज़ा भी नहीं था, और बहुत ही अच्छा ग्रोथ था रिलेशनशिप में। इतनी एनर्जी थी, एक दूसरे का साथ पसंद था, यू गाइज वर लाइकिंग टू बी विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ रहना पसंद आ रहा था। एंड बहुत सारी चीज़ें आपने इनके साथ एक्सप्लोर की, बहुत सारा फन किया, बहुत सारे मज़े किए, आउटिंग, एवरीथिंग। बट उसके बाद चीज़ें कहीं ना कहीं ख़राब होने लगी। तो मुझे जहाँ तक लगता है डियर, तो मैं आपको एक चीज़ कहूँगी कि बस स्टार्टिंग ऑफ द रिलेशनशिप आपका अच्छा था, उसके बाद जो चीज़ें हुई
वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग नहीं थी, क्योंकि जो अंडरस्टैंडिंग जिस बेस पे आपने अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट किया, ओके, वो बेस बहुत अमेजिंग था। अगर उस अमेजिंग बेस पे चीज़ें चलती, अगर उस अमेजिंग बेस पे चीज़ें चलती तो आप प्रोबेबली इस सिचुएशन में कभी भी नहीं आते, कभी भी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं पड़ते। बट जैसे ही स्टार्टिंग ख़त्म हुआ, थोड़ा टाइम बीता, एंड यू वुड हैव रियलाइज्ड कि आपके पार्टनर की जो अंडरस्टैंडिंग पावर थी आपको लेकर के, वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होती चली गई। ओके, कहीं ना कहीं चीज़ें खराब होती चली गईं, एंड कंट्रोल जो था रिलेशनशिप से वो ख़त्म होता चला गया, एंड बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हुई। इमोशनल कनेक्ट आप लोगों का रुक गया, ओके, स्टॉप कर गया, स्टैगनेट कर गया, इतने बुरे तरीके से स्टैगनेट कर गया कि अभी आपको ऐसा लगता है कि या क्या वही इंसान है जिससे मैंने प्यार किया था, क्या ये वही इंसान है जो मेरी सारी बातें समझता था। यू पीपल वर वन सोल इन टू डिफरेंट बॉडीज, ओके, एक ही आत्मा थे दो डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज में, इस टाइप का आपका रिलेशनशिप था। मगर बहुत ही कम टाइम में बहुत ही चीज़ें धीरे धीरे ख़राब होने लगी, जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट था रिलेशनशिप का वो एंड करने लगा, ओके, एंड ये पूरा सिचुएशन जो एक यूनिटी और अंडरस्टैंडिंग पे बना हुआ था वो डाउट और मिसअंडरस्टैंडिंग्स में चला गया। ओके, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे थे, वो आपकी कोई भी बातें नहीं समझने को रेडी थे, कुछ भी चीज़ें जो आप समझाना चाहते थे वो उन चीज़ों को या तो समझ नहीं पाते थे या तो समझना चाहते नहीं थे। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होते गया, बट आप फिर भी स्टे करें इस रिलेशनशिप में। अब आप बोलोगे, मैम जब आपने वीडियो बनाया है कि क्या वो हमारे बिना रह पा रहे हैं या नहीं, तो ये बताने की क्या ज़रूरत है? तो ऑफ कोर्स ये बताने की ये ज़रूरत है कि आपका रिलेशनशिप कहाँ था और कहाँ आ गया। अगर आपको मैं सीधा स्टोरी का लास्ट पार्ट बताऊँगी कि राजा और रानी की शादी हो गई, तो फिर आपको क्या ही मज़ा आएगा और क्या ही आपको पता चलेगा? फिर आपसे कोई स्टोरी पूछेगा तो आप क्या बताओगे? तो आपकी लाइफ, आपको कैसे पता चलेगा ये रेजोनेट हो रहा है या नहीं आपसे? इसीलिए एक जनरल व्यू देती हूँ मैं आपको कि क्या हुआ आपके रिलेशनशिप में, ओके? तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टीज हो गई, बट आप फिर भी पूरे तरीके से चल रहे थे एंड सिचुएशंस को हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे। बट नाउ वॉट, अभी मुझे लगता है कि आप लोग लॉन्ग टर्म से सेपरेशन में हो, एक दूसरे से बहुत अच्छे से बातें बातें आप लोगों की नहीं होती हैं, एंड द थिंग्स आर रियली बैड बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। बहुत ही ज़्यादा बैड सिचुएशन है, बहुत ही ज़्यादा बुरा सिचुएशन है। अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट देम इज देयर जो आप नहीं जानते हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है, बहुत सारे लाइफ के उनके एस्पेक्ट्स हैं जो आपको नहीं पता है। तो आपके बिना रह पा रहे हैं या नहीं, तो ये सोच उनके दिमाग में आ ही नहीं रही है कि वो आपको कितना मिस कर रहे हैं। एंड यू नो वाई, क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि जहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ पे लोग लड़ाई झगड़े करने के बाद भी सोचते हैं उस इंसान के बारे में कि क्या हो गया, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था या उन्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। बट इन्फ्लुएंस, ओके, इन्फ्लुएंस जहाँ होता है वहाँ पे ये सोच ही नहीं आती है। तो आपके पार्टनर ऑफकोर्स इन्फ्लुएंस में है, और यहाँ मुझे मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे किसी ओल्डर पर्सन का, किसी ठीक ठाक एज वाले इंसान का इन्फ्लुएंस ज़्यादा लगता है, जो कि जिसने ना मतलब आपके रिलेशनशिप को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। तो हाँ, अगर आप ये कहते हो कि वो मेरे बिना रह पा रहे हैं या नहीं, तो ऑफकोर्स वो आपके बिना रह पा रहे हैं। और यू नो वॉट वॉट इज़ द रीज़न, वो नहीं रह पाते, बट रीज़न यही है कि वो इन्फ्लुएंस में है, ओके? अब मैंने आपके आँख पे ब्लू चश्मा लगा दिया और आप मेरे पे इतना विश्वास करते हो कि मैंने बोला नहीं दुनिया ब्लू है, तो आपने मान भी लिया कि हाँ दुनिया ब्लू है, ओके? ये उस टाइप के इन्फ्लुएंस में कि दूसरे बंदे ने इन्हें कहा कि भाई तुम्हारी तो मतलब ज़िंदगी जो है ना इस इंसान के साथ पूरी तरीके से ख़राब है, और उन्होंने मान भी लिया। और क्या किया उसके बाद पता है? ये जो इमोशनल आउटलुक आपस में था, ओके, एक जो अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे के लिए थी, वो अंडरस्टैंडिंग अब सेल्फ के लिए हो गई। वो सारी चीज़ें अब सेल्फ के लिए हो गई। मतलब पहले आप लोग रिलेशनशिप में थे तो वो आपके लिए भी चीज़ें करते थे, खुद के लिए भी चीज़ें करते थे। अब वो बस खुद के लिए करते हैं, मेरा कंफर्ट, मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ, एवरीथिंग इज़ मेरा मेरा मेरा, ओके, इट स्टार्ट्स विथ मी एंड एंड्स ऑन मी।
तो कोई भी रिलेशनशिप जहाँ मी से शुरू होकर मी पे ख़त्म होता है, जहाँ कंट्रोल होता है, जहाँ डोमिनेटिंग कंट्रोल होता है, वो रिलेशनशिप बहुत लंबे टाइम तक बहुत अच्छा नहीं चलता है। नाउ दे मस्ट बी टेलिंग यू कि देखो हमारी वर्क लाइफ भी तो कितनी प्रॉब्लमेटिक है और वर्क लाइफ की वजह से आई एम नॉट एबल टू फोकस ऑन यू, या मुझे बहुत ज़्यादा वर्क का प्रेशर है इस वजह से आई एम नॉट एबल टू इमोशनली कनेक्ट, अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ मैं अपने फैमिली को बताऊँगा या समझाऊँगा या समझाऊँगी या समथिंग लाइक दैट। अगर आप मैरिड हो तो फैमिली को समझाऊँगा, अनमैरिड हो तो फैमिली को बताऊँगा, बात सेम ही है। एक जगह पर ऑफिशियल कमिटमेंट है, एक जगह पर कमिटमेंट नहीं है, बस कमिटमेंट नहीं है, मतलब ऑफिशियल कमिटमेंट नहीं है, आपस में प्यार तो है ही, बट हाँ शादी इज़ अ लीगल थिंग, राइट? तो बस इतने का ही डिफरेंस है, मगर ये क्या बताएंगे, ये तो खुद ही इन्फ्लुएंस में है। ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि आपसे दूर जाके, आपसे अलग रह के इनके जो सपने हैं ना वो पूरे हो गए, क्योंकि उस आपके साथ जो रिलेशनशिप था उसमें ये बेचारे बहुत प्यार के मारे थे। ओके, सो अब इनको ऐसा लग रहा है ना कि इनको एक तरीके से छुटकारा मिल गया। अब ये तो बात हुई इन्फ्लुएंस की, अगर इन्फ्लुएंस नहीं होता तो क्या होता, राइट? अगर इन्फ्लुएंस कम हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि देखिए जहाँ नेगेटिव एनर्जी होती है तो एनर्जी चेंज करती ही करती है। ओके, इनका डोमिनेटिंग कंट्रोल तो आ गया रिलेशनशिप में, मगर ये नहीं आया अभी, इन्हें ऐसा नहीं आया कि हाँ चलो रिलेशनशिप को अच्छे से कंट्रोल करते हैं। अभी क्या हुआ ना कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत खुश हैं ये सारी चीज़ें करके, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज़ करेंगे कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है ये चीज़ करके। ओके, क्या सिचुएशंस अब इनके साथ होंगे तो देखते हैं। अगर इन्फ्लुएंस नहीं रहता है, सपोज अगर इन्फ्लुएंस हट जाता है थोड़े टाइम में, क्योंकि देखिए तो जनरल रीडिंग है, बहुत किसी के लिए इन्फ्लुएंस हट भी जाएगा, तो जिनके लिए अगर हट जाता है, ओके, वैसे चांसेस बहुत कम है कि इन्फ्लुएंस हटे, क्योंकि इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है, जहाँ पे इन्फ्लुएंस स्ट्रांग होता है वहाँ पे इन्फ्लुएंस हटने में बहुत टाइम लग जाता है। तब क्या ये आपको मिस करेंगे? जी हाँ, तब ये आपको मिस करेंगे, तब ये आपके बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जो कंसर्न, जो केयर, जो हेल्प, जो इमोशनल ग्रोथ, जो प्रोफेशनल ग्रोथ आपकी वजह से इनको लाइफ में मिला, जो आपके आने के बाद इनको सक्सेस मिला, वो कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ करेंगे कि इनका कोई भी नहीं है जो इन्हें समझता है। ओके, और तब ये ऑप्शन, ओपिनियन, दोस्तों से बातें करना, पूछना एंड अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स में इंडल्ज करेंगे, मगर तब क्या फ़ायदा? जब इमोशनल ग्रोथ ही रुक जाएगा, जब चीज़ें ही खराब हो जाएंगी, तब करने का भी क्या फ़ायदा? यू टेल मी, क्या चीज़ें होंगी उसके बाद? अगर अभी वो इन्फ्लुएंस में हैं और अगर इस इन्फ्लुएंस से नहीं निकलते हैं, अपनी चीज़ों को सही नहीं करते हैं, तो कब तक आप इस इनवर्ड लुकिंग इंसान के साथ रह पाओगे? आपका भी रिएक्शन आएगा अगर वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको भी डाउट है कहीं ना कहीं इस बात का कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं ये वर्क लाइफ के वजह से, वर्क लाइफ के प्रेशर के वजह से नहीं हो रही हैं, रैदर ये किसी और रीज़न से हो रही हैं, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये किस रीज़न से हो रही हैं, इन्फ्लुएंस की वजह से हो रही हैं। तो अगर जिन लोगों का पिंक पाइल में इन्फ्लुएंस हटता है, उनके पार्टनर्स तो उनको ऑफकोर्स बहुत मिस करेंगे और उनके बिना नहीं रह पाएंगे, बट हाँ इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रांग है तो इन्फ्लुएंस हटने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ही सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। तो द थिंग इज़ कि प्रे टू योर एंजल्स कि आपका लव वापस आ जाए, क्योंकि देखिए जहाँ पे मिस करेंगे वहाँ पे अगर प्यार वापस आ जाता है तो इससे अच्छी बात कोई भी नहीं हो सकती। तो प्यार वापस आ जाए, चीज़ें अच्छी हो जाएं, अब चीज़ें अच्छी हो जाएं, इसके लिए आप प्रे करो कि जो भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस है वो आपके रिलेशनशिप से चला जाए। ओके, जो भी इन्फ्लुएंस है आपके रिलेशनशिप में एंड चीज़ें हैं आपके रिलेशनशिप में जो आपके रिलेशनशिप को बर्बाद कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं फ़ेड आउट कर जाए, क्योंकि अगर फ़ेड आउट करती हैं नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस तो ज़रूर ये इंसान आपसे फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये इंसान आपके बिना तब रह ही नहीं पाएगा। ओके, बट हाँ मैं आपको ये बता देती हूँ कि जितना स्ट्रांग नेगेटिव एनर्जी है उसमें फेड आउट करने के चांसेस बहुत ही लो हैं। ओके, तो पिंक पाइल वाले लोग, आपकी रीडिंग कर दी है मैंने कंप्लीट, अब हम लोग अपने नेक्स्ट रीडिंग पे चलते हैं, दैट इज ग्रीन पाइल। तो देखते हैं ग्रीन पाइल वाले लोगों के लिए क्या आता है। तो ये ग्रीन पाइल, ओके, सो ग्रीन पाइल पीपल,
क्या वो आपके बिना रह पा रहे हैं? ओके, तो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ग्रीन पाइल पीपल, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि ये आपके बिना इनका जो मेंटल पीस था, जो मेंटल कामनेस था या जो सपोर्ट था, वो कहीं ना कहीं हिल गया है. ओके, अगर आपका रिश्ता लीगल टर्म्स पे चल रहा है, कुछ ऐसे इश्यूज हैं, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, ये देखिए, ये आपके बिना रह तो नहीं पा रहे हैं और आप बहुत शांति से बैठे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि ये चीज़ें इतनी सही थी, ओवरऑल चलनी चाहिए थी, तो फिर ये नहीं चली, इसका कोई बेसिक रीज़न नहीं है. ओके, एंड हाँ, ऑफ कोर्स आउटर कुछ इन्फ्लुएंस भी मुझे यहाँ पे अभी नहीं नज़र आ रहा है. यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर है, मिसअंडरस्टैंडिंग, फीलिंग ऑफ रिवेंज, ग्रज, किसी कोई एक बहुत सारे लोग होते हैं, आपने देखा होगा, जो कभी लड़ाई होती है ना तो वो सामने सामने से कभी लड़ाई नहीं करते. जब लड़ाई बहुत टाइम बीत जाता है तब आपको पता चलता है कि उन्होंने किसी बात का ग्रज करके रखा था, किसी बात का रिवेंज लेने को रखा था, और फिर वो तब उस चीज़ की रिवेंज लेते हैं. ओके, तो यहाँ पे आप लोगों के सिचुएशंस में कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अपने मन में इंटरनली उन्होंने सोचा है कि कन्फ्यूजन्स बहुत हैं और कहीं ना कहीं बहुत रिवेंज वाली फीलिंग है. और अब शांति से बैठो, जितने आप शांति से बैठोगे आपके लिए उतना ही अच्छा होगा. जितने आप शांति से बैठोगे वो इस रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, मगर ये कन्फ्यूजन में भी हैं और इनका ईगो भी हर्ट होता है आपके पास वापस आने में, तो ये आपसे ड्रिफ्ट अवे करने की तो कोशिश कर रहे हैं. ओके, बट दे डोंट नो हाउ टू टेल यू हाउ मच दे मिस यू. ओके, कैसे ये आपको बताएंगे कि आपको कितना मिस करते हैं? तो अगर लीगल टर्म्स में आपका रिलेशनशिप चल रहा है तो प्लीज़ आप थोड़ा इस रिलेशनशिप को, मुझे तो लग रहा है अगर लीगल टर्म्स में चल रहा है तो आप शायद सेम रूफ शेयर नहीं कर रहे हो, मतलब एक ही घर में नहीं रह रहे हो, और इन केस अगर रह भी रहे हो तो यू गाइज आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स, मतलब एक दूसरे से बात नहीं करते हो. तो ये आपको लेके पॉजिटिव तो हैं, ये आपको लेकर के केयरफुल तो हैं, मगर ये आपके सामने इन फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, ये इन चीज़ों को दिखाना नहीं चाहते हैं, बिकॉज ये भी श्योर नहीं है कि आप किस तरीके से इन चीज़ों को लोगे. ओके, उसका एक रीज़न कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि आप बहुत रिएक्ट नहीं करते हो. अगर आपसे कोई सामने से लड़ाई भी करने जाए तो आप चाहते हो कि शांति से चुपचाप से आप निकल जाओ. ओके, बहुत ज़्यादा एक जो लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने में बिलीव करते हैं, आप उस टाइप के नहीं हो. ओके, अब कौन किस चीज़ में बिलीव करता है, सबका फाइट्स और चीज़ें हैंडल करने का तरीका अलग होता है, बट आप अपने मेंटल पीस के लिए आप चाहते हो कि अगर मेरे से कोई लड़ भी रहा है तो भाई मैं उससे ना लड़ूं. ओके, तो ये इंसान रह तो नहीं पा रहा आपके बिना, मगर ये डाउटफुल भी बहुत है कि इन्होंने अगर कोई स्टेप लिया, आपने अगर नहीं अप्रिशिएट किया, या आप भी सामने से अपने मन में बातें, अब देखो हम जैसे होते हैं ना दुनिया, हमें एग्जैक्टली वैसे ही नजर आती है. इन्होंने अपने मन में ग्रज रखा है, ये चुपचाप से बैठे हैं, ये आपसे ज़्यादा हार्श हैं लड़ाइयों में, मगर ये चुपचाप से बैठे तो इन्हें ऐसा लग रहा है ना कि आप भी शायद चुप करके इसलिए बैठे हो क्योंकि आपने भी अपने मन में कुछ ऐसी बातें दबा के रखी हैं जो हो सकता है कि आप इनको अटैक करो बाद में जाके. तो ये रिलेशनशिप को रखना चाहते भी हैं बट ये स्टेप नहीं लेना चाहते हैं और ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं. ये आपसे जितना दूर जाना चाहते हैं ना उतना ही आपके पास आना चाहते हैं, बट ये एक फंसे हुए सिचुएशन में कि अभी तो झुकना तो पड़ेगा ही, अगर झुकेंगे नहीं तो आपने बर्दाश्त कर करके बहुत ज़्यादा चीज़ें बर्दाश्त कर ली, आपने इनका अनएक्सपेक्टेड नेचर बर्दाश्त कर लिया, आपने इनके साथ प्रॉब्लम्स में भी रहने को आप रेडी रहे, बहुत सारी ऐसी चीज़ों में सपोर्ट किया जिसमें बहुत सारे लोग सपोर्ट छोड़ देते हैं, तो अब आप तो जाओगे नहीं. आपके जिस टाइप के कार्ड्स मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं तो आप तो जाओगे नहीं, मगर ये इंसान ईगो की वजह से आएगा नहीं, ये आपके बिना रह तो नहीं पा रहा है. तो आप एक डोर खोल सकते हो इस टाइप के सिचुएशन में, एक अपने रिलेशनशिप में एक हिंट दे सकते हो कि इफ़ यू वांट टू कम बैक यू कैन कम बैक, अगर आपने ब्लॉक कर रखा है तो अनब्लॉक कीजिए, शायद दैट माइट बी ऑफ सम हेल्प. ओके,
अगर आप लोग बहुत टाइम से कांटेक्ट में नहीं हो या सेम रूफ के अंडर रहते हो बट बात नहीं होती है, बहुत टाइम से बात नहीं हुई है, तो आप एक जनरल कैजुअल टॉक भी इनिशिएट कर सकते हो, क्योंकि इन्हें तो बहुत मुश्किल आएगी। अब आप बोलोगे मैम अभी तो आपने बोला कि हम लोग जाएंगे नहीं, फिर आप अचानक से मुझे कह रहे हो कि आप एक हिंट दे दो, तो ऑफकोर्स आपकी जो पर्सनल एनर्जी, आपकी जो एनर्जी है ना, जनरल एनर्जी, वो आपको जाने नहीं देगी। मगर चीज़ों को करेक्ट करने के लिए जो एडवाइस मैं दे रही हूँ उसको आप फॉलो भी तो कर सकते हो। टैरो इज सेइंग कि अगला इंसान आपको मिस कर रहा है, सेपरेशन में है, इस बात का दुख भी है, इमेंस पेन में है, रिग्रेट में है, रिवेंज है, कंफ्यूजन है, बट वो इंसान आपके बिना रह भी नहीं पा रहा है और लेकिन आएगा भी नहीं, इंस्पाइट द फैक्ट कि वो बहुत ज़्यादा भी आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं, बट वो आएंगे नहीं, उनके अंदर हिम्मत नहीं है चीज़ों को इनिशिएट करने का। तो अगर उनके अंदर हिम्मत नहीं है तो वाई डोंट यू डू इट। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाओ, मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप इनिशिएट करने की कोशिश करो, एक डोर खोलो, एक मैं अभी आपके लिए और कार्ड्स निकाल रही हूँ तो अभी आप रुक जाओ, ओके। आपको ये कह रही हूँ कि आप उनके लिए डोर्स खोलो सो दैट ऑफकोर्स वो इंसान अगर आना चाहे, वैसे तो वो बहुत मुश्किल से ये स्टेप ले पाएंगे, मगर चांसेस हैं कि आपका रिलेशनशिप कंप्लीशन की तरफ फिर से मुड़े, ओके। तो वो इंसान आपके पास आ पाए और उसे कोई दिक्कत ना हो, ओके, वो आप पे फिर से फोकस कर पाए और आप उन्हें वो लव केयर कंसर्न दे सको, आपका रिलेशनशिप फिर से अच्छा हो सके। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ अगर नहीं भी जाने का मन है तो एक अपॉर्चुनिटी देने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप बहुत झेल चुके और वो आपको बहुत गलत तरीके से देखते हैं, मगर देखिए कन्फ्यूजन मिसअंडरस्टैंडिंग्स के वजह से अगर कोई नहीं रह पा रहा आपके बिना तो ये तो गलत बात है ना। आपको मतलब ठीक है यार, रिलेशनशिप है, एक बार और, मैं मानती हूँ बहुत झगड़े हुए हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, एक चांस और देखो, देखो जिस लेवल की आपकी मेच्योरिटी है आई थिंक यू कैन वर्क आउट थिंग्स वेरी वेल, ओके। तो वन चांस इज़ नॉट अ बिग थिंग, यू कैन गिव योर रिलेशनशिप वन सिंगल चांस। वैसे भी अगर सिंगल चांस नहीं देने में इंटरेस्टेड रहोगे तो एनी वेज आपका रिलेशनशिप पूरे तरीके से ख़त्म हो जाएगा। तो दो लोग के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ऑप्शंस नहीं सिलेक्ट करना, एक प्रॉपर सॉलिड डिसीजन नहीं लेना, इन सारी चीज़ों के वजह से अगर रिलेशनशिप ख़राब होता है तो दिस इज़ नॉट अ ग्रेट आइडिया, ओके। एंड पॉजेसिव होते हुए भी ईगो की वजह से नहीं आ पाना, एंड इतने पेन में होते हुए भी आगे एक स्टेप नहीं लेना, तो ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। बट हाँ, मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी डियर, कि एक बार विदाउट रिवीलिंग कि आप उनके बिना भी आपको रहने में मुश्किल हो रही है या आप बस चाहते हो कि वन सिंगल टाइम वो वापस आ जाए, एक बार एक छोटा सा हिंट देने में कुछ भी नहीं जाता है। जहाँ पे छोटे से हिंट से अगर रिलेशनशिप बच जाता है ना तो उससे अच्छी बात और कुछ भी नहीं हो सकती, ओके। तो आई एम नॉट टेलिंग कि आप एकदम बिछ जाओ उनके लिए या कुछ ऐसा कर जाओ, ओके, या अपने ईगो को नीचे कर दो, बट हाँ अपने मूड को, जो आपका इनर सेल्फ कह रहा है ना कि मत जाओ इतना कुछ झेल लिया, तो उस चीज़ को थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश करें ऑफकोर्स, ओके। एंड करेक्ट करें फिर देखते हैं, आपको तो पता है मैं हमेशा ही वीडियोस अपडेट करती रहती हूँ अपडेटेड एनर्जी पे, फिर मैं वीडियो डालूंगी, फिर आप मुझे बताना कि मैम कैसा चल रहा है, कैसे चल रही हैं चीज़ें, ओके। तो यू डू नॉट नीड टू वरी अबाउट दैट, ओके। एक आपको ग्रीन पाइल पीपल, आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह पा रहे बट ईगो की वजह से नहीं आ रहे, ओके। तो एक छोटा सा ट्राई देने में कुछ भी नहीं जाता, ओके। तो अभी हो गया ग्रीन पाइल, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्लू पाइल, तो देखते हैं ब्लू पाइल के लिए क्या आता है, ओके। ओके, सो आई विल टेल यू वन थिंग, ओके, सो द थिंग इज कि सॉरी द थिंग इज कि क्या ये आपके बिना रह पा रहे हैं या नहीं रह पा रहे हैं। तो ऑफकोर्स ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, ओके।
ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, बट ये आएंगे भी नहीं, और आप लोगों का रिलेशनशिप अभी ख़त्म भी नहीं होगा, अभी बहुत टाइम लगेगा चीज़ें ख़त्म होने में। ये आपके बिना रह तो नहीं पा रहे हैं, बट इन्होंने चीज़ें इतनी, मुझे तो लगता है इन्होंने ही अपनी चीज़ें यहाँ से ख़त्म करके और रिलेशनशिप से निकले हैं। तो जब ये रिलेशनशिप को ख़त्म करके ये इधर से निकले, तब इन्हें सोचना चाहिए था कि अगर उन्हें आपकी ज़रूरत पड़ेगी, मतलब उनको आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो वो क्या करेंगे। वहाँ पे इनको इमोशनल रिपेयर करना चाहिए था, वहाँ पे इनको चीज़ें ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए थी। तो इनको ऐसा लगा कि अकेले भी ठीक है, इनको कोई इशू नहीं है, इन्होंने अकेले अपने ज़िंदगी में सारे प्रॉब्लम्स झेले हैं, तो ये आज भी अपने ज़िंदगी में सारे ही प्रॉब्लम्स अकेले झेलने में सक्सेसफुल रहेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। ओके, और अब इनको ना दुआ काम कर रही है, ना दवा काम कर रही है, इनके लिए कुछ भी काम नहीं कर रहा। एंड ऑफ कोर्स ये आ भी नहीं सकते क्योंकि इन्होंने ही चीज़ें एंड की थी, तो ये आएंगे कैसे? अगर आते भी होंगे, कभी बात होती भी होगी, तो ये बहुत एग्रेशन दिखाते हैं, बहुत चीज़ों को बहुत गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं, बिकॉज दे डू नॉट ओके। तो जब चीज़ें एंड की थी, जब परेशान कर रहे थे, तभी सोचना चाहिए था ना कि एक दिन में यही होता है, यही होता है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ठीक है, जब कोई हमें परेशान कर रहा होता है और हम चुपचाप से परेशान हो रहे होते हैं और एक दिन हम लोग उस रिलेशनशिप से निकल जाते हैं बाहर, एक लिमिट होती है हर बंदे की झेलने की। ओके, जब वो झेल झेल के परेशान हो जाता है ना, तो वो लिटरली यही दुआ करता है कि भगवान ये रिलेशनशिप ख़त्म ही हो जाए, मैं झेल झेल के परेशान हो चुकी हूँ, ठीक है। और जब ये फिर परेशान हो के वो रिलेशनशिप समहाउ एंड हो जाता है, वो इंसान तो चलो उस वो तो रिलेशनशिप में ऑलरेडी झेल रहा था, मतलब आप तो रिलेशनशिप में ऑलरेडी झेल रहे थे, बहुत प्रॉब्लम्स में थे, बट जब ही उन्होंने चीज़ें एंड की, तभी उन्हें ये रियलाइज नहीं होगा कि उन्होंने आपको कितना परेशान किया था, और अब उनको रियलाइज हो रहा है। तो अब ये रह नहीं पा रहे, मगर आएंगे कैसे? आपने दूसरे को बेइज्जत करके और अपने ज़िंदगी से निकाल दिया, ऐसे निकाल दिया कि जब उन्होंने सोचा भी नहीं था, जब आप सोच रहे थे कि हम लोगों के बीच में शायद चीज़ें सुधर जाएं, शायद ये कभी मेरी बात मानने लग जाएं, शायद ये मेरे कंट्रोल में आ जाएं, ये क्यों इन एंड आउट करते रहते हैं, ये ज़रूर मेरे से प्यार करते हैं, ये सारा थिंकिंग आपके माइंड में था। और इनके माइंड में क्या चीज़ें थी? ख़त्म करते, ख़त्म करते। तो ख़त्म कर लिया ना, उसके बाद कोशिश भी कर ली इन्होंने रहने की, रह तो ये पा नहीं रहे, और आएंगे ये है नहीं, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत है नहीं। अब इतने बुरे एंड के बाद जब भी कोई किसी को इतना झेल, इतना इतनी सारी चीज़ें झेल झेलने को मजबूर करता है, और जब वो इंसान चला जाता है, तो उसके पास ना कोई हैसियत नहीं होती है वापस आने की, और हिम्मत नहीं होती है वापस आने की। आप कौन से मुँह से जाओगे वापस, मतलब वो कौन से मुंह से आपके पास वापस आएंगे, ये सोच के देखो। तो ऐसा सा रिलेशनशिप है अभी उनका, ऐसा सा कंडीशन है कि अभी वो वापस नहीं आ सकते और रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना। अब इनको कर्मा दे रहा है वो सारी चीज़ें जो इन्होंने आपको दी। ओके, जब एंड होता है ना, जब सडन चीज़ें आती हैं ना, जब सडन चेंजेस आते हैं ना, तो सी चेंज एक ऐसा चीज़ है ना जो कॉन्स्टेंट है। ओके, वन ऑफ माई फेवरेट कोट्स इज ऑल्सो चेंज इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, यानी परिवर्तन ही एक चीज़ है जो हमेशा होती रहती है, हमेशा। मगर जब चेंज होता है तो वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमें टाइम लगता है उसके साथ एडजस्ट करने में। ऐसा थोड़ी होता है कि आपको अच्छी नौकरी मिल गई तो आप 2 दिन में ही एडजस्ट करिए उधर जा करके, टाइम लगता है। ओके, क्या आपका डिवोर्स हो गया तो आप, ऐसा थोड़ी होता है कि अगले दिन से ही वैसे सिंगल लाइफ जीने लग जाते हो, टाइम लगता है। तो इनको ये चीज़ रियलाइज करना चाहिए था कि जब इन्होंने रिलेशनशिप एंड किया, तो एक टाइम, एक प्रॉपर रीज़न, एक प्रॉपर चीज़ें ये बता के जाते, तो नहीं, बस ख़त्म तो ख़त्म, गुस्सा तो गुस्सा। तो ये चीज़ें इन्होंने कर दी, अब ये रह पा नहीं रहे और ये वापस आ नहीं सकते, क्योंकि जो भी पॉजिटिव एस्पेक्ट था आपके साइड से, उसे तो इन्होंने पूरा नेगेटिव कर दिया, तो कौन सा मुंह लेकर के वापस आओगे? तो ये इस वजह से वापस नहीं आ पा रहे हैं। बट यहाँ पे कर्मा इज एक्टिंग। ओके, यहाँ पे जो कहते हैं ना कि अच्छे कर्म करो अच्छी चीज़ें होंगी, बुरे कर्म करोगे बुरी चीज़ें होंगी, तो जो बुरा कर्म किया उन्होंने, अब वो उस चीज़ को झेल रहे हैं। एंड ये रह तो बिल्कुल भी नहीं पा रहे, इनका अपने लाइफ से भी कंट्रोल बहुत हट गया है, इनकी तबीयत वबीयत भी बहुत ज़्यादा सही नहीं रहती होगी। अगर तबीयत का कुछ इशू है, हेल्थ का कुछ इशू है, तो ऑलवेज
रिमेंबर कि डॉक्टर को विजिट करने से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं होता है. ओके तो हाँ, अगर कोई हेल्थ इशू फेस कर रहा है तो ऑफकोर्स आपको उनको डॉक्टर को हेल्प करने के लिए बोलना चाहिए, मतलब डॉक्टर के पास जाने के लिए बोलना चाहिए. तो अभी देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, सब कुछ जब अच्छा चलता है ना तो ये चीज़ें लोगों को भी अपने लाइफ में भी अच्छी नहीं लगती है. एक नेचर होता है ह्यूमन का कि लोग ना सिंपथी में रहना चाहते हैं. ओके सिंपथी मतलब आप देखना कभी कि किसी के पास कितनी भी चीज़ें हो जाए ना तो वो हमेशा ही रोता ही रहेगा, अच्छा सब मेरे पास कहाँ ही कुछ है, मेरे पास तो एक ही गाड़ी है, मेरे पास तो सस्ती गाड़ी है. अरे कि तुम्हारे पास गाड़ी तो है, किसी किसी के पास तो कुछ भी नहीं होता. ओके तो इनका वो सिंपैथी वाला ना नेचर बहुत ज़्यादा है. ओके और अच्छा होम चल रहा था, अच्छी चीज़ें चल रही थी, अच्छा यूनियन था, एक दूसरे के साथ रहते तो चीज़ें अच्छी रहती थी. तो इन्होंने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, तो कर लिया ख़राब चीज़ें. अभी चीज़ें ख़राब कर ली तो अभी अभी नहीं समझ आता कि कैसे ठीक करना है. अब रह भी नहीं पा रहे, आ भी नहीं पा रहे. अब ये क्या कर रहे हैं ना कि ये कोशिश कर रहे हैं और कहीं दिमाग लगा के देखते हैं और कुछ चीज़ों के बारे में सोच के देखते हैं. इन्होंने ही मेरे से लड़ाई की, वरना मुझे ऐसा सोचना ही नहीं पड़ता. आई वॉज सो लॉयल. अरे आप लॉयल तब होते जब आप अपने रिलेशनशिप में थोड़े अंडरस्टैंडिंग होते. ओके लॉयल्टी बस चीटिंग पे जाके नहीं रुक जाती है, लॉयल्टी वहाँ पे भी रुकती है कि अगर आप दो पार्टनर्स डिफरेंट हो तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को रिस्पेक्ट करते हो या नहीं. तो नहीं, अभी अगर ये मेरे से लड़ते नहीं, अगर ये चीज़ें ख़राब नहीं करते, वो ऐसा सोचते हैं तब मैं क्यों ही लड़ने जाता. तो ये आप उनकी ना सेल्फ सिंपैथी है कि मेरे साथ जो चीज़ें हो रही हैं उनका भी जिम्मेदार वही है. ओके मतलब कि आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं कि उनके लाइफ में जो चीज़ें ख़राब हो रही हैं उसके ज़िम्मेदार आप हो. तो आप किसी चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं हो, आप बस एक ही चीज़ के ज़िम्मेदार हो कि इतना कुछ झेलने के बाद आप झुक के जाने को रेडी नहीं हो, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट कर ली है इस रिलेशनशिप में. तो एक तो ये ऑप्शन हो गया कि चलो और ऑप्शन, वो आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे सॉरी कि चलो कुछ और ऑप्शंस देखते हैं, शायद उधर मेरा कुछ काम बन जाए. बट ऑप्शंस देखने से क्या होता है, ऑप्शंस का रिजल्ट भी तो आना चाहिए. यहाँ पे तो टैरो सामने से कह रहा है ये ऑप्शन देख रहे हैं मैंने, लेकिन पसंद कुछ भी नहीं आ रहा. अब यही होता है जब पुराने वाले को आप लात मार के हटा देते हो अपने ज़िंदगी से, बहुत बुरी तरीके से उसे बेइज्जत करके निकाल देते हो, फिर आप अपने माइंड को इधर उधर दाएं बाएं करने की कोशिश करते हो. माइंड इधर उधर नहीं होता, तब माइंड याद दिलाता है कि देख वो कितने पेन में भी तेरे साथ खड़ा था. ओके तो अभी एक आउटर कवर बना के बैठे हैं कि इनका कंट्रोल अपने ज़िंदगी पे बहुत ही अच्छा है, इन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, मगर यही जानते हैं कि इन्हें कितने लोगों की ज़रूरत है एट प्रेजेंट. ओके एंड स्पेशली दे आर नॉट एबल टू मूव अ स्टेप विदाउट यू. जो इंसान मीलों मील चल लेता था आज एक कदम नहीं चल पा रहा है आपके बिना. लेकिन इतने इतने ख़राब एंडिंग्स में कोई विंडो कोई डोर कुछ नहीं खोला जा सकता जहां से कि रिलेशनशिप को ठीक करने के चांसेस हों. सो यही होता है, लोगों को एंड करने के टाइम रियलाइज नहीं होता, बट बाद में रियलाइज होता है कि इतने बुरे एंड्स. सी मैं तो मैक्सिमम लोगों को यही एडवाइस करती हूँ रिलेशनशिप में कि कितना भी चीज़ें ख़राब हो जाएं, कितनी भी चीज़ें आप लोगों के बीच में वर्स्ट हो जाएं, ऑलवेज रिमेंबर सो कि रिलेशनशिप्स अगर बहुत ही ख़राब हो जाए ना तो रिलेशनशिप को एक गुड नोटेशन पे एंड करना चाहिए, सो दैट अगर आप कभी किसी से रास्ते में मिलो भी ना तो उसे मुस्कुरा के मिलो, ना कि उससे दुखी होकर के मिलो या उन्हें देख करके उनका चेहरा भी देखने का मन ना करे. इसलिए कोई भी रिलेशनशिप जब एंड होता है तो वहाँ पे रिलेशनशिप को अच्छे नोट पे एंड करना चाहिए. कोई भी रिलेशन 100% ख़राब नहीं होता, 100% बुरा नहीं होता. तो चीज़ों को वहाँ पे अच्छे तरीके से एंड करनी चाहिए, अच्छे तरीके से, सो दैट आगे लाइफ में, वर्ल्ड इज़ अ वेरी स्मॉल प्लेस, तो आगे अगर लाइफ में चीज़ें होती हैं तो अच्छी हो. और इन आपने जितना इनको प्यार दिया ना उतना कोई इनको प्यार दे नहीं सकता. ओके और फिर भी इस चीज़ को उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया और इस तरीके के सिचुएशन में आपकी चीज़ें छोड़ के चले गए. तो ये इनका मिस्टेक था, इन्होंने अपने लाइफ के सारे पॉजिटिविटी को एक ही सेकंड में एंड कर दिया. और अब ये कितना भी पॉजिटिविटी खोज लें, कितनी भी चीज़ें कर लें, कितना भी कुछ भी कर लें,
ये कितने भी एफर्ट्स डाल लें कुछ नहीं होने वाला, ओके okay, क्योंकि जहाँ कुछ होने वाला था उस रिलेशनशिप को तो इन्होंने बर्बाद कर लिया। तो ये रह तो नहीं पा रहे हैं आपके बिना, और 100 ऑप्शंस खोज रहे हैं और चीज़ों में अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट नहीं हो पा रहा। तो दिस इज़ हाउ इट इज़। और अब इन्हें पता चल रहा है कि इन्होंने क्या गलत डिसीजन लिया आपसे अलग होकर के, क्या गलत डिसीजन किया इतना क्रुएलिटी दिखा के। तो हाँ, रियलाइजेशन इज वन थिंग, कर्मा जब एक्ट करता है तो कर्मा किसी को नहीं छोड़ता। ओके okay. आप जिस चीज का पेड़ लगाओगे उसी चीज का फल भी खाओगे। आप आम का पेड़ लगा करके और एप्पल नहीं खा सकते, सेब नहीं खा सकते। ओके okay. तो इन्होंने चीजें खराब की हैं तो खराब ही रहेंगी ना, अभी उनके लिए भी खराब है। तो यही है, वह तो पा नहीं रहे हैं, बट हाँ ठीक है। वैसे जिस नोट पे इन्होंने एंड किया, मैं तो आपको नहीं सजेस्ट करूंगी कि आपको चीज़ें फिर से एक बार अपने साइड से स्टार्ट करनी चाहिए। लेट देम कम, अगर ये आते हैं तो आने दीजिए, अगर आप फिर से इनके पास जाते हो तो फिर से ये आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेंगे, फिर से आप यही सारे पेन से फिर गुजरोगे। तो लेट देम कम, अगर आते हैं तो। वैसे आने के चांसेस रियली लो हैं, मतलब है ही नहीं, या आएंगे ही नहीं, और इनके पास कोई और वो भी नहीं बचा है, जेन्युइन रीज़न भी नहीं बचा है जो आपको दे करके ही आपके पास आ सके। तो बी वेरी प्रिकॉशियस व्हेन यू आर डीलिंग विद सच काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी। अदर देन दैट द थिंग इज कि आप अपने साइड से अभी कोई स्टेप मत लो, आप शांति से बैठो, देखो क्या होता है। कोई भी डोर या विंडो ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्टे साइलेंट एंड सी हाउ थिंग्स गोज। ओके, तो ब्लू पाइल मैंने आपकी रीडिंग कर दी है कंप्लीट। आई होप आपको मेरी रीडिंग आई होगी पसंद। इन केस अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिटेल स्क्रीन पर है, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस दिया हुआ है। आप प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर करो एंड बहुत सारा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो एंड एवरीथिंग। ओके, तो अभी के लिए मैं आपको नमस्ते कहती हूँ, अभी मैं जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना, घर पे रहना, स्टे होम एंड स्टे सेफ, कहीं बाहर बाहर मत जाना। ओके, सो टाटा, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।